नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। मैं लेकर हाजिर हूँ बाल मनोविज्ञान का अगला पार्ट। देखिए, इसके तहत हम ये लेक्चर आपको कंटिन्यू दे रहे हैं और इसमें मैंने सिलेक्टेड मैटर रखा है जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, यहाँ पर आज हमको देखना है कि शारीरिक रूप से पिछड़े बालक, ठीक है। तो ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उन्हें शारीरिक रूप से पिछड़े बालक कहा जाता है। देखिए, एक होता है सक्षम, एक होता है अक्षम, ठीक है। तो सक्षम नहीं, ये क्या होते हैं? अक्षम होते हैं। अब देखिए, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं भाई। दृष्टि दोष वाले बालक, श्रवण दोष वाले बालक, भाषा दोष वाले बालक, दिव्यांग या अपंग बालक, मूक बालक, मूक बधिर बालक, ठीक है। तो इसके 6 कैटेगरी किए गए हैं जो होते हैं शारीरिक रूप से पिछड़े बालक। तो चलिए भाई, सबसे पहले देख लेते हैं दृष्टि दोष वाले बालक। तो देखिए, जो दृष्टि दोष से संबंधित बालक होते हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्ण अंधे बालक और दूसरा है आंशिक अंधे बालक, ठीक है। मतलब एक ऐसे बालक होते हैं जिनको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, जिन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं, अंधे कहते हैं, और दूसरे होते हैं आंशिक अंधे बालक, इन्हें दिखाई पड़ता है, ठीक है। कुछ हद तक ब्लाइंडनेस के शिकार होते हैं। तो देखिए, पूर्ण अंधे बालक में इन बालकों को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। किस लिपि द्वारा? ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है। देखिए, ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं भाई। क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? 6 बिंदु होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, ठीक। आगे, इसका आविष्कार फ्रांस के लुई ब्रेल ने किया था। क्लियर? अब आपको ये क्लियर हो गया कि जैसे प्रश्न ऐसे आ जाता है कि भाई पूर्ण अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो लिपि क्या हो जाएगी? ब्रेल लिपि हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6 होते हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। कहाँ के थे ये? तो फ्रांस के थे, ठीक है। नाउ, छड़ी भ्रमण विधि का प्रयोग पूर्ण अंधे बालकों को पढ़ाने में होता है। तो आपको 2 यहाँ पे टाइप मिल रहे हैं कि पूर्ण अंधे बालकों को प्रयोग करने के लिए किस किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो एक है ब्रेल लिपि विधि, दूसरी है छड़ी भ्रमण विधि। ओके, नाउ नोट में देखिए, यदि इनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना हो तो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये विधि है, ठीक है, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आंशिक अंधे बालक की, ठीक है। तो देखिए, इसमें इसके भी 2 कैटेगरी हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा निकट दृष्टि दोष वाले बालक, ठीक, वाले बालक। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये इंग्लिश नाम इसका ध्यान देना है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। तो इसे मायोपिया कहते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, ठीक। देखिए, इसमें जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को कान कियो लेंस भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि किस दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको याद करने की तरकीब बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। निकट आवा, ठीक, ऐसे आप याद रखिए, निकट आवा, निकट अवतल लेंस, ठीक है। ये कान किए हुए, ये भी ध्यान देना, निकट आवा। अब देखिए, दूर उदय हुआ, ठीक, दूर उदय हुआ, दूर उदय। अब एक तरीके से आप देखें तो आ पहले आ रहा है, निकट आ, और ये दूर दृष्टि में ऊ जो है आके बाद आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और अक्सर करके ये कन्फ्यूज़न ज़रूर आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट आवा यानी निकट अवतल, और दूर उदय, ठीक, दूर से उदय यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल लेंस को क्या कहते हैं भाई? कॉनकेव कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, निकट है मेरे पिया, ऐसे भी याद कर सकते हैं, निकट है मेरे पिया, और दूर, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं भाई, श्रवण दोष वाले बालक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण श्रवण दोष जिसे बधिर कहते हैं एवं आंशिक श्रवण दोष, ठीक है। तो 2 टाइप हो गए इसमें भी श्रवण दोष वाले में। तो देखिए, यहाँ पे पूर्ण श्रवण दोष वाले बच्चों को संकेत विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए यहाँ पे दृश्य सामग्री का प्रयोग इनके लिए ज़रूरी है। देखिए भाई, जो पूरी तरह से सुनने में अक्षम हैं तो उनके लिए मतलब विजुलाइजेशन होना चाहिए, जो भी पढ़ाएं, खास करके ये कह लीजिए कि पिक्चर के माध्यम से पढ़ाएं, ठीक है, चित्र उनको दिखना चाहिए तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि वो सुन नहीं सकते, है ना। तो दृश्य सामग्री का प्रयोग इनके लिए ज़रूरी है। आगे, आंशिक दोष वाले बच्चों को सांकेतिक विधि के साथ उच्च स्वर में शिक्षण कार्य की ज़रूरत होती है। देखिए भाई, आंशिक दोष का मतलब हुआ जिनको है लेकिन कुछ है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वो कम सुनते हैं ये कह लीजिए, तो सांकेतिक विधि के साथ साथ उच्च स्वर में, ठीक है, मतलब थोड़ा लाउड रहेगा तो वो सुन पाएंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट में रख दिया है कि विश्व बधिर दिवस प्रति वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व बधिर दिवस, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आज की वीडियो में चलिए अभी आगे हैं, मुझे लगा कि शायद ये फिनिश हो चुका है, ठीक है, अभी मैंने ये फिलहाल कंटिन्यू मैंने बनाया है, ठीक है, और ये पीडीएफ फाइल अभी यहीं तक मैंने बनाया है, चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं भाई। हाँ, मूक बधिर बालक, ऐसे बालक सामान्यतः जन्मजात होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, इन्हें पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक एवं स्कूल होते हैं। तो देखिए भाई, जो मूक बधिर होते हैं, इनमें जनरली होता क्या है कि ये मतलब बोलने व सुनने दोनों में अक्षम होते हैं, और ये क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं, मतलब इनकी जो बीमारी होती है जन्म के साथ ही होती है, इसलिए इसका इलाज संभव नहीं होता, और इन्हें पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक व विशेष स्कूल बनाए जाते हैं, ठीक, विशेष शिक्षक होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और विशेष इनके लिए अलग से स्कूल होते हैं। इन्हें आधुनिक विधियों के द्वारा अधिगम से जोड़ा जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है जिससे इनको सीखने में मदद मिले, ठीक। नौ, अब हम बात कर लेते हैं अपंग बालक की, ठीक है। तो देखिए भाई, अपंग बालक को दिव्यांग बालक भी कहा जाता है, जो बालक किसी शारीरिक अंग से अपंग होते हैं, ठीक है, वे अपंग या दिव्यांग बालक की श्रेणी में आते हैं। तो ये क्या कहा जा रहा है, शारीरिक रूप से ये अपंग होते हैं, ठीक है, मतलब ये काम करने में सक्षम नहीं होते, ये कह लीजिए कि उनका वो अंग काम करने के काबिल नहीं होता, तो ऐसे बालकों को अपंग या दिव्यांग बालक कहा जाता है, या अपंग या दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं ना। नौ, आगे देखते हैं, इन बालकों के शिक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित सावधानियों के साथ की जानी चाहिए, किसकी, अपंग बालकों की, है ना। तो देखिए भाई, इनके बैठने के लिए विशेष फर्नीचर होना चाहिए। भाई पता चला कि कोई बालक है पैर से मतलब उसको दिक्कत है, पैर सही से काम नहीं करता, तो उसके हिसाब से उसके बैठने की व्यवस्था अलग होगी, है ना। अगला है, शिक्षक अभिभावक तथा समाज द्वारा इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। देखिए भाई, जैसे कि आप उनको चिढ़ाएं ना, ठीक है, बल्कि उनका प्रोत्साहन करें, एग्जाम्पल दें, जैसे भाई अगर एग्जाम्पल दिया जा सकता है, अरुणिमा सिन्हा है, ठीक है, उनका एक पैर नहीं है फिर भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया दुनिया में, ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स उनको दिए जा सकते हैं जो उनसे रिलेटेड हों और अच्छा काम करने में सक्षम हों, पढ़ाई में अच्छे हों, है ना। तो क्या है भाई, शिक्षक भी उनको प्रोत्साहित करे, उनके घर वाले गार्जियन अभिभावक जो हैं उनको भी उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ साथ समाज के द्वारा भी उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे वो बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर सकें, अपना मन लगा सकें और आगे पढ़ सकें। देखिए अगला है, उनकी दिव्यांगता के अनुसार शिक्षण विधियों एवं खेल कूद आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए भाई, जिसे दिव्यांगता कई प्रकार की हो सकती है ना, पता चला कि भाई मतलब कोई पैर से उसको दिक्कत है, ठीक है, या उसकी आँख में दिक्कत है, या हाथ से दिक्कत है, मतलब लाइक दैट, ठीक है, कान खराब है या जो भी है एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, किसी शारीरिक अंग, तो शरीर का कोई भी अंग खराब हो सकता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको क्या है, दिव्यांगता के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों, ठीक है, एवं खेलकूद का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसे विकलांग है, पैर से नहीं चल सकता, तो उसको आप फुटबॉल तो खिला नहीं सकते, है ना, क्रिकेट तो खिला नहीं सकते, तो इनका जो खेल होना चाहिए वो, ठीक है, माइंड रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, माइंड गेम होना चाहिए,
ऐसे मतलब इसके अकॉर्डिंग ठीक है, तो उनको जो है कि शिक्षण विधि और खेलकूद की व्यवस्था करनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, उनकी दिव्यांगता के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, तो पीडीएफ फाइल क्रिएट करना बाकी है, तो ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को अच्छा करिए ताकि अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।